डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरल मैथ क्लासेस। एनसीईआरटी क्लास 11th मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 5 शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 5 क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने की है वैसे, द्विघात समीकरण जिसको बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? आज इसमें हम ये सीखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। आपने 10th क्लास में या 9th क्लास में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सीखा है, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सीखा है इन वन वेरिएबल। जैसे हमारे पास कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल में जीरो, तो एक्स स्क्वायर इक्वल में वन हो जाएगा और एक्स के वैल्यू क्या होगी? प्लस माइनस वन, वन का स्क्वायर रूट प्लस माइनस वन होता है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास यही इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो ये है एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल में जीरो हो जाए, तो इसको सोल्व कैसे करें? एक्स स्क्वायर इक्वल में माइनस वन हो गया, अब माइनस वन का स्क्वायर रूट क्या होगा? माइनस वन का इसका ये क्या होगा? अभी तक तो आपने प्लस के स्क्वायर रूट देखे हैं, लेकिन माइनस का स्क्वायर रूट क्या होगा? यही जो कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है। या आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखा था कि जो डी हमारा है अगर छोटा हो जीरो से, डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस चार ए सी अगर जीरो से छोटा हो तो नेगेटिव नंबर आता था, तो नेगेटिव नंबर को हम कहते थे नो सॉल्यूशन, ये बोलते थे आप कोई हल नहीं। लेकिन हम यहां हल निकालेंगे। यही चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म क्या होती है वो देखेंगे, अंडर रूट में माइनस साइन है इसको सोल्व कैसे करेंगे वही देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो जैसे हमने लिखा अंडर रूट माइनस वन, इसको बोलेंगे आयोटा, ये सिंबल आयोटा होगा, IOTA आयोटा, ये सिंबल जो होगा आई से ऊपर थोड़ा ये आई की तरह आयोटा, और ये माइनस वन का अंडर रूट आयोटा सिंबल लेंगे हम, और आयोटा स्क्वायर क्या होगा? माइनस वन, क्योंकि इसका स्क्वायर कर दें हम तो इसका स्क्वायर कट जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो आयोटा स्क्वायर क्या होगा? माइनस वन। तो आयोटा जो है इसकी फॉर्म जो होगी कॉम्प्लेक्स नंबर में ए प्लस आयोटा बी, ये जो फॉर्म है ये है कॉम्प्लेक्स नंबर की, कॉम्प्लेक्स नंबर ये फॉर्म होगी। इसी चैप्टर में इसको हम करेंगे, इसके दो पार्ट हो गए, एक तो होगा रियल पार्ट, रियल पार्ट उसको बोलेंगे हम ए, ए वाला रियल पार्ट होगा, और इमेजिनरी पार्ट आई एम जेड बोल दें आप, इमेजिनरी पार्ट जो होगा आयोटा वाला, जो आयोटा बी है वो जो होगा वो होगा इमेजिनरी पार्ट आई बी, आयोटा बी ये इमेजिनरी पार्ट होगा, ये रियल पार्ट होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट कर लिए हमने, रियल और इमेजिनरी पार्ट। इसको हम Z से डिनोट करें कॉम्प्लेक्स नंबर को, Z इक्वल में A प्लस आयोटा B, ये इसकी फॉर्म होगी कॉम्प्लेक्स नंबर की। इसी के बेस क्वेश्चन होंगे, आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा की पावर कुछ भी हो, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है आयोटा स्क्वायर होता है माइनस वन। इसी के एक बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद हम जैसे क्वेश्चन करेंगे तो उससे पहले थोड़ी आइडेंटिटी और है वो भी यूज कर लेते हैं पहले। उसी भी इसमें एल्जेब्रा भी है कॉम्प्लेक्स नंबर में। एल्जेब्रा का मतलब क्या हुआ? दो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हों ए प्लस आयोटा बी, और दूसरा दे रखा हो सी प्लस आयोटा डी, तो इसका प्लस करें तो जेड वन प्लस जेड टू क्या होगा? रियल पार्ट जुड़ेंगे, ये ध्यान रखना है, और प्लस इमेजिनरी पार्ट जुड़ेंगे, आयोटा कॉमन ले लिया दोनों जुड़ जाएंगे। इसी वे से इसमें डिफरेंस में आ जाएगा जेड वन माइनस जेड टू आ जाएगा, तो
तो a माइनस सी हो जाएगा, और माइनस अगर इसमें हम करें आयोटा तो b माइनस डी, अगर यहां प्लस भी करें तो माइनस करें तो इसमें ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस बार ले लें तो ये प्लस भी कर सकते हैं हम बी प्लस डी, तो इस वे से हम इसको कर सकते हैं। तो यहां प्लस कर लेंगे और आयोटा बी माइनस डी, बी माइनस डी, प्लस माइनस अब मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जेड वन इंटू जेड टू से डिनोट करेंगे और डिवीजन जेड वन अपॉन जेड टू से करेंगे, तो ये क्वेश्चन करेंगे तब हम सोल्व कर लेंगे। तो इसमें कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा इसमें कोई वो इसका है नहीं, पावर है, पावर को हम सोल्व कर लेंगे और स्क्वेयर और नेगेटिव वो सभी इसमें आ जाएंगे। तो क्वेश्चन हम कर सकते हैं इसके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 5.1 में, और मॉडुलस और कंजुगेट, एक है मॉडुलस, मॉडुलस यानी इस वे से मॉडुलस, जैसे जेड है ए प्लस आयोटा बी, तो इसका मॉडुलस क्या होगा, इसका मॉडुलस जो होगा वो होगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर अंडर रूट, ये होगा मॉडुलस। फिर एक होता है कंजुगेट, कंजुगेट क्या होता है, जेड इक्वल में ए प्लस आयोटा बी दे रखा है, तो जेड इक्वल में ए माइनस आयोटा बी, साइन चेंज हो जाएगा इसका, ये होगा कंजुगेट। तो ये कुछ सिंपल से इसमें टॉपिक है, फिर हम इसके क्वेश्चन करेंगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, इनवर्स निकालना हो तो इनवर्स कैसे निकाल सकते हैं, तो इनवर्स अगर निकालेंगे हम तो इनवर्स का फार्मूला होगा जेड इनवर्स इक्वल में कंजुगेट ऑफ जेड अपॉन मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर, ये इनवर्स का फार्मूला होगा। तो ये कुछ टॉपिक है, क्वेश्चन करेंगे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। तो क्वेश्चन करते हैं हम एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, इसके पार्ट्स गिवन है या 1 to 10 तक हमें क्वेश्चन गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है इसमें ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखने हैं जो क्वेश्चन हम करेंगे 1 से लेकर 10 तक। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है 5 iota into -3/5 iota, ये गुणा में है दोनों, तो माइनस तो यहां लगा लेंगे, नंबर नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 into 3/5 और आयोटा स्क्वेयर हो गया, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वेयर हो गया, तो -3 into iota square और आयोटा स्क्वेयर क्या लिखा था हमने -1, तो -1 के -3 की मल्टीप्लाई क्या होगी 3 होगी। तो अच्छी तरह समझ लेंगे इसको, जैसे 5 iota into -3/5 iota है तो मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर नंबर की करेंगे और आयोटा आयोटा ही कर लेंगे हम, तो माइनस पहले लगा लिया हमने 5 की 3/5 की मल्टीप्लाई की, 5 से 5 कट गया 3, आयोटा 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 स्क्वेयर, और आयोटा स्क्वेयर क्या होता है -1, ये ध्यान रखना है क्योंकि आयोटा स्क्वेयर -1 होता है। क्वेश्चन नंबर टू में कहता है आयोटा की पावर 9 है, इसको सिंप्लीफाई करें थोड़ा ब्रेक कर लें तो आयोटा स्क्वेयर इसकी पावर 4। आयोटा स्क्वेयर की पावर 4 क्यों किया, ये तो 9 है, जैसे आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू हमें पता है कि आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1 होती है, इसलिए आयोटा स्क्वेयर में तो तोड़ना ही है, आयोटा स्क्वेयर इसकी पावर 4 कर ली, 4 × 2 = 8, अब आप कहेंगे 9 है ये, तो एक पावर बच गई, तो इनटू में आयोटा प्लस, इसी वे से आयोटा स्क्वेयर हो गया और इसकी पावर कितनी कर देंगे 9 × 9 = 18, एक आयोटा बच गया। आयोटा स्क्वेयर क्या होता है -1 की पावर 4 इंटू में आयोटा प्लस आयोटा स्क्वेयर -1 इसकी पावर 9 इंटू में आयोटा, तो -1 की पावर 4 है इवन है तो क्या होगा प्लस हो जाएगा हमारे पास, तो ये आयोटा हो गया, -1 की पावर 9 है ओड हो गया तो -1 तो माइनस आयोटा आ गया, तो प्लस आयोटा माइनस आयोटा क्या आ गया 0। तो इसको आपको ब्रेक कर लेना है इसको, जैसे आयोटा की पावर कितनी भी हो लेकिन आयोटा स्क्वेयर जो बाकी बचेगा वो पावर में ले जाओ, 4 × 2 = 8,
तो 5 × 10 तो हो जाएगा, लेकिन कर नहीं सकते, 9 है तो 4 × 8 1 × में आयता लिख दिया इसी वे से। क्वेश्चन नंबर 3 है आयता की पावर -39, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो 1/ आयता की पावर 39 कर लें, माइनस से नीचे ले आए प्लस हो गई, इसको सोल्व करें तो आयता की स्क्वायर और उसकी पावर 19 कर लें, तो 19 × 38 एक बच गया इंटू में आयता कर लिया, तो 1/ ये -1 हो गया और इसकी पावर 19 हो गई इंटू में आयोटा है ही नीचे, तो ये कितना हो गया, -1 की पावर 19 है तो -1 हो गया, तो -1/ आयोटा हो गया। अगर इसको रेशनलाइज भी करें हम तो ये क्या हो जाएगा, आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा से डिवाइड, तो आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से डिवाइड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा और ये नीचे होगा आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो -1 क्या हो जाएगा प्लस, यानी इसको लिख ले आयोटा और ये हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा आयोटा, तो इसका आयोटा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 3 × 7 + iota 7, ये आयोटा 7 आयोटा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आयोटा बाद में लिखो या पहले लिखो मल्टीप्लाई में ही, प्लस आयोटा इंटू में 7 + iota 7, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले इसकी, तो 21 + 21 आयोटा हो गया, प्लस इसकी ये कर लेंगे 7 iota + 7 iota² हो गया, आयोटा आयोटा की मल्टीप्लाई, तो आयोटा की टर्म कौन कौन सी है, ये 21 तो है ही, ये 21 और ये 7, तो कितना हो गया 28 आयोटा, प्लस ये 7 iota² इसको इसी फॉर्म में लिखना है सभी को हम a + iota b में, तो ये कितना हो गया 21 + 28 iota, ये -7 हो गया, -7 क्यों हुआ, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 की 7 की मल्टीप्लाई 7 -7, तो 21 - 7 कितने हो गए 14 + 28 iota, तो इस फॉर्म में हो गया a + iota b, a इसमें 14 और बी इसमें 28, तो ये फॉर्म हो गई इसकी। क्वेश्चन नंबर 5 जो है 1 - iota -1 + iota 6, तो 1 - iota 12 माइनस है, -1 क्या हो जाएगा प्लस, फिर ये -iota 6, तो आयोटा की टर्म कितनी है, ये -1 है, ये -6 है, -7 हो गए, 1 और 1 2, 2 - 7 iota, तो ये फॉर्म हो गई, ये 6 iota है, ये 1 iota है, इन दोनों माइनस के हैं तो -7 iota। क्वेश्चन नंबर 6, इस फॉर्म में लिखना सभी को, अगर यहाँ प्लस करोगे तो ये माइनस अंदर जाएगा, तो ये फॉर्म हो सकती है इसकी। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, 1/5 + iota 2/5 और माइनस में 4 + iota 5/2, तो इसको सिंप्लीफाई करें तो 1/5 + iota 2/5 - 4 - iota 5/2, ब्रैकेट सिंप्लीफाई कर ली हमने, तो आयोटा की टर्म एक तो ये है और एक ये है, इसको सिंप्लीफाई करें तो 4 × 5 = 20, तो ये हो गया -19/5 और ये क्या हो गया 5 × 10 एलसीएम आएगा इसका, तो 2 × 5 = 10 और 2 × 2 = 4, तो एलसीएम इसका अगर 10 आएगा, इसको सिंप्लीफाई करें तो इसमें से ये माइनस करना है, तो एलसीएम 10 आएगा इसका, तो 2 × 2 = 4 और -25 -25 - 21, तो -21 iota/10 हो जाएगा, यानी 2/5 और 5/2 को सल कर लिया, जैसे 2/5 -5/2 एलसीएम कितना 10 आएगा, तो 4 - ये 25, तो -21/10 आयोटा लिख दिया माइनस, क्योंकि माइनस के ज्यादा है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है 1/3 + iota 7/3 +
फोर प्लस आयोटा वन अपॉन थ्री माइनस माइनस फोर अपॉन थ्री प्लस आयोटा। तो पहले जो बड़ी ब्रैकेट इसके अंदर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये क्या होगा वन अपॉन थ्री प्लस फोर, इसको इकट्ठा ले लें रियल रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट इकट्ठे लें तो सेवन अपॉन थ्री प्लस वन अपॉन थ्री और माइनस ये टर्म माइनस फोर अपॉन थ्री प्लस आयोटा। इसको सिंप्लीफाई करें, चार तीन बारह और एक तेरह, तो तेरह बटा में तीन प्लस आयोटा, ये वसा तो एक आठ, आठ बटा में तीन, क्योंकि एलसीएम तो सेम है, ये तो बड़ी बैकेट असल हो गया, माइनस अंदर इसके है माइनस फोर अपॉन थ्री प्लस आयोटा। अब दोनों ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, थर्टीन अपॉन थ्री प्लस आयोटा, एट अपॉन थ्री माइनस माइनस हो गया प्लस, इनके गुणा करेंगे तो, और माइनस आयोटा। अब ये पार्ट रियल पार्ट, चौदह और तीन चौदह चार तेरह चार सत्रह, सत्रह बटा में तीन, और ये हो जाएगा एक माइनस का है आठ बटा तीन प्लस का है तीन एकम तीन, तो ये हो जाएगा प्लस का पांच बटा में तीन आयोटा। तो ये फॉर्म हो गई ए प्लस आयोटा। क्वेश्चन नंबर एट जो है वन माइनस आयोटा इसकी पावर फोर, इसको सिंप्लीफाई करें थोड़ा, तो एक माइनस आयोटा स्क्वेयर इंटू में एक माइनस आयोटा स्क्वेयर, तो ये हो गया एक प्लस आयोटा स्क्वेयर माइनस टू आयोटा, फिर ये हो गया एक प्लस आयोटा स्क्वेयर माइनस टू आयोटा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू फॉर्म लगा लिया, तो ये कितना है वन माइनस वन, क्योंकि आयोटा स्क्वेयर माइनस वन होता है, माइनस टू आयोटा, ये वन माइनस वन माइनस टू आयोटा, तो ये माइनस टू आयोटा बच गया, यहां माइनस टू आयोटा बच गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई करें अगर हम, तो ये हो गया माइनस माइनस की गुणा प्लस होगी, टू टू जा फोर इन टू में आयोटा स्क्वेयर, तो कितना आ गया माइनस फोर आ गया, आयोटा स्क्वेयर माइनस वन होता है। क्वेश्चन नंबर नाइन में कहता है वन अपॉन थ्री प्लस थ्री आयोटा इसकी पावर थ्री, यानी होल क्यूब है, तो फार्मूला लगा लेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए पी और इनटू में ए प्लस बी, ये फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इनटू ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा एक बटा में सत्ताईस प्लस में, ये हो जाएगा सत्ताईस आयोटा क्यूब, ये तीन कट जाएगा, तो प्लस में थ्री आयोटा बच गया, थ्री आयोटा की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर क्या बचेगा आयोटा प्लस नाइन आयोटा स्क्वायर, क्योंकि थ्री आयोटा बाहर है, इसकी दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया हमने, थ्री आयोटा वन अपॉन थ्री की थ्री से थ्री कट जाएगा आयोटा बचेगा प्लस थ्री थ्री नाइन आयोटा स्क्वायर, तो वन अपॉन ट्वेंटी सेवन प्लस ट्वेंटी सेवन आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा क्यूब है प्लस आयोटा प्लस नाइन आयोटा स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा वन अपॉन ट्वेंटी सेवन, ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि आयोटा स्क्वायर माइनस होता है, तो माइनस ट्वेंटी सेवन आयोटा हो गया प्लस आयोटा हो गया माइनस नाइन हो गया, क्योंकि आयोटा स्क्वायर माइनस वन होता है, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो वन अपॉन ट्वेंटी सेवन माइनस ये कितना हो गया 26 आयोटा और माइनस नाइन, क्योंकि माइनस 27 है प्लस 1 है तो माइनस 26 आयोटा, इसको इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जैसे माइनस 9 भी है इसमें 12 से 27 तो 1 माइनस 9 सत्ते 63 6 9 दुने 18 और 6 24 तो ये गया माइनस 200 बयालीस बटा में 27 तो माइनस
242 अपॉन 27 माइनस 26 आएगा, तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, माइनस 2 माइनस 1 अपॉन 3 आयोटा होल क्यूब, फॉर्मूला वही लगाएंगे, तो माइनस 2 क्यूब प्लस माइनस 1 अपॉन 3 आयोटा क्यूब प्लस 3 ए बी माइनस 2 इंटू माइनस 1 अपॉन 3 आयोटा और इंटू में माइनस 2 प्लस 1 अपॉन 3 आयोटा, माइनस 8 हो गया प्लस ये माइनस ही रखेंगे क्योंकि क्यूब है, तो 1 अपॉन 27 आयोटा क्यूब हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास बच गया माइनस 2 आयोटा इंटू में माइनस 2 प्लस 1 अपॉन 3 आयोटा, तो माइनस 8 ये माइनस 1 अपॉन 27 आयोटा क्यूब, ये प्लस 4 आयोटा माइनस 2 अपॉन 3 आयोटा स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई कर ली हमने। अब माइनस 8 अब ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 27 और ये जगह प्लस आयोटा, क्योंकि आयोटा क्यूब क्या होगा, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, माइनस माइनस की गुणा प्लस और इंटू में आयोटा, प्लस 4 आयोटा ये प्लस होगा 2 अपॉन 3, क्योंकि आयोटा स्क्वायर क्या होता है माइनस 1, तो माइनस माइनस गुणा प्लस, तो ये सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 8 की 24, तो माइनस के 24 प्लस के 2 माइनस के 22 बटा में 3 और ये हो जाएगा प्लस के 7 चौके 28 और 4 दूनी 8 और 2 10 108 और 1 109 बटा में 27 आयोटा, तो ये फॉर्म हो जाएगी ए प्लस आयोटा बी। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है मल्टीप्लेटिव इनवर्स निकालना है, सपोज जेड मान ले हम 4 माइनस 3 आयोटा, तो कंजुगेट क्या होगा, इसका साइन चेंज कर लेना है, तो प्लस 3 आयोटा, और अब हमें एक निकालना है मॉडुलस, तो ये फार्मूला कर लेंगे, इसमें जेड का मॉडुलस और उसका स्क्वायर, यानी जो हमें दिया है उसका, जैसे 4 का स्क्वायर और प्लस में माइनस 3 का स्क्वायर, तो क्या होगा 16 और प्लस 9 कितना हो गया 25, तो इनवर्स का हमारे पास फार्मूला है कंजुगेट ऑफ मॉडुलस ऑफ जेड उसका स्क्वायर, ये हमने निकाल लिया 4 प्लस 3 आयोटा ये कितना है 25, इसको उस फॉर्म में लिखें तो 4 बटा में 25 प्लस में 3 अपॉन 25 आयोटा, तो ये फॉर्म हो जाएगी इसकी, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको, मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर या मॉडुलस निकाल लें फिर उसका स्क्वायर कर लें तो सेम वही आएगा, या फिर मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर ये फॉर्म है तो यो की एज इट इज है उसको स्क्वायर के रूप में लिखना है, ऐड कर देना है जो हमारे पास ये है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है जेड मान लेते हैं अंडर रूट 5 प्लस 3 आयोटा, कंजुगेट क्या होगा अंडर रूट 5 माइनस 3 आयोटा, मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर यानी इसी का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 5 प्लस कितना 9, ये तो जेड इनवर्स क्या हुआ कंजुगेट ऑफ जेड अपॉन मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर, तो ये हमने निकाल रखा है कंजुगेट ऑफ जेड ये है, उसमें तो सिर्फ साइन चेंज करना है आप लोगों को, और ये हमने निकाल लिया 14, इसको अलग अलग कर लें, तो अंडर रूट 5 अपॉन 14 माइनस 3 अपॉन 14 आयोटा, तो ये फॉर्म हो गई। क्वेश्चन नंबर 13 है जेड इक्वल में 0 माइनस आयोटा, तो इसका कंजुगेट क्या होगा 0 प्लस आयोटा, मॉडुलस ऑफ 0 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो 1 ही होगा, तो जेड इनवर्स क्या हो जाएगा कंजुगेट ऑफ जेड यानी
अपॉन कंजुगेट मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर। तो जेड इनवर्स क्या होगा, ये हमारे पास क्या है आयोटा, और अपॉन ये कितना हो जाएगा वन, तो जीरो प्लस आयोटा, ये इसका इनवर्स हो गया। इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन 14 है, इसको ए प्लस आयोटा बी में लिखना है। क्वेश्चन में दिया है 3 प्लस आयोटा अंडर रूट 5 इनटू में 3 माइनस आयोटा अंडर रूट 5 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 आयोटा माइनस अंडर रूट 3 माइनस आयोटा अंडर रूट 2। तो ए प्लस बी, ए माइनस सी फार्मूला ऊपर लगा लेंगे, तो ए स्क्वायर यानी 9 प्लस आयोटा स्क्वायर इनटू में 5 अपॉन, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो अंडर रूट 2 और आयोटा ये दो हो जाएंगे, तो 2 अंडर रूट 2 आयोटा हो जाएगा, क्योंकि ये तो कट ही जाएगा माइनस, इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का। तो इस प्रकार के दो हो गए, तो 2 अंडर रूट 2 आयोटा लिख लिया हमने, ये कितना हो गया 9 माइनस 5 अपॉन 2 अंडर रूट 2 आयोटा, 9 में से 5 गए 4, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 2 अंडर रूट 2 आयोटा, और या फिर हो गया 2 अपॉन 2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, और ये हो जाए 2 से 4 काटेंगे तो 2 अपॉन अंडर रूट 2 आयोटा बच गया, तो 2 अपॉन अंडर रूट 2 आयोटा बच गया, ये आयोटा नीचे है, इसको रेशनलाइज कर लिए हम, तो अंडर रूट 2 आयोटा से मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 आयोटा से डिवाइड, तो 2 अंडर रूट 2 आयोटा नीचे 2 हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर क्या होता है माइनस 1, तो 2 अंडर रूट 2 आयोटा अपॉन माइनस 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो गया माइनस अंडर रूट 2 आयोटा हो गया, तो 0 लगा लो, तो ये इसकी फॉर्म हो जाएगी। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर जितना आपको दिखाई देता कठिन इतना ही सिंपल भी है, इजी है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब वैसे कर लें और बेल आइकन का प्रेस करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए ऑल सबसे ऊपर है तो उसको क्लिक कर लेंगे और एक्सरसाइज करेंगे आप। जय हिंद, वंदे मातरम।